जी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के तीन डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और आगे के जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ने के लिए हमें ये इनका इनका जो इन पे जो पैरेलल रेज हम रेज ऑफ लाइट फॉल कराते हैं उसका फिनोमेना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ ही मैंने इनसे पहले आपको जो टर्म्स आ रही हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये मैंने दो मिरर्स बनाए हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। और उनकी डेफिनेशन के मुताबिक इनर सरफेस पॉलिश, ये मैंने ग्रीन कलर से शो की है, इनर सरफेस पॉलिश है और बाहर की ओपेक है। और इसमें बाहर की आउटर सरफेस पॉलिश है जो कि ग्रीन कलर में शो हुई है और अंदर की सरफेस जो है वो ओपेक है, ठीक है। अब मैंने क्या कराया इसमें कि पैरेलल रेज को फॉल कराया, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो वी सी दैट कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस इनर सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, दे आर दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, ये यहाँ जो रे यहाँ पड़ रही थी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आई, ये वाली जो रेज आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर यूँ आई, ये जो नीचे वाली रेज थी पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग हेयर, ठीक है। तो बट द कॉमन थिंग बिटवीन दीज रिफ्लेक्टेड रेज इज दैट दे आर ऑल मीटिंग एट वन पॉइंट, हम इस पॉइंट को कहते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है, या इसके लिए एक और वर्ड है फोकल पॉइंट है, एक और वर्ड है फोकस, खाली फोकस भी बोल लेते हैं, एंड वी डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। तो यहाँ ये रेज रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं दे आर एक्चुअली मीटिंग, तो इसीलिए हम इसको रियल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इसमें आइए कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी हमने पैरेलल रेज ऑफ लाइट को फॉल कराया ऑन द पॉलिश सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, एंड व्हाट हैपेंड कि यहाँ पर ये रेज जो हैं दे आर नॉट कॉन्वर्जिंग, यहाँ देखें ये रेज कॉन्वर्ज हो रही हैं, कॉन्वर्ज हो रही हैं यानी कि दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इस मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जबकि इस केस में हम देख रहे हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आर डाइवर्जिंग अवे, यानी स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं, तो इसीलिए हम इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। लेकिन इनके डाइवर्ज होने में, स्प्रेड होने में एक पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि जैसे ये पैरेलल रेज इस पर स्ट्राइक कर रही हैं उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि पीछे जहाँ भी जा रही हैं, ठीक है, थीके? तो सारी रेज जो हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि दे विल बी मीटिंग एट वन पॉइंट अगेन, दे विल अपीयर टू बी मीटिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर ये ऐसे हमें लगेगा कि ये मिल रही हैं, ठीक है, हालांकि ये सिर्फ डाइवर्ज हो रही हैं, दे आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट रियली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के पीछे कहीं हमें ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, ये यहाँ से आती हुई रेज हमें महसूस होंगी, तो ये ऐसा हमें लग रहा है, इसीलिए हम इस प्रिंसिपल फोकस को कहेंगे। तो हम इसको प्रिंसिपल फोकस ही, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और इस केस में डेफिनेशन हो जाएगी, दिस इज़ दैट पॉइंट वेयर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर डाइवर्जिंग और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू बी मीटिंग या अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, जो कि रियल नहीं है, एक्चुअली नहीं है, इट इज़ अपीयरिंग टू बी, ऐसा लग रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये वर्चुअल है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और अब हमने पढ़ा कि ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान की जो डिस्टेंस है ये इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और ये चूंकि एक्चुअल रियल प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस है पोल तक की, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है हम इसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं बाय साइन कन्वेंशन। और डिफरेंस अगर देखा जाए तो एफ जो है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, दिस इज जस्ट अ पॉइंट, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ द कॉनकेव, वेयर एज इन कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर, फ्रंट तो ये है ना मिरर का, तो इट लाइज बिहाइंड द मिरर। तो वी सी दैट देयर आर सो सेवन पॉइंट्स विच आर डिफरेंशिएटिंग कॉनकेव मिरर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। और हमें ये पता चला कि जो प्रिंसिपल ये जो फोकल लेंथ है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर से एक रिलेशन है, और वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे ये प्रिंसिपल फोकस हमें मिलता है, और ये फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो वी कैन राइट इट बाय दिस फॉर्मूला लाइक दिस, और ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये था सारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस, जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम इसके बारे में और इनसे रिलेटेड और आर्टिकल्स अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होती है।
चैनल को याद रखिएगा, फिज़िक्स पेज, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।